acceleration due to gravity. सपोज एक बॉडी को हम एच हाइट से फ्री फॉल करेंगे. फ्री फॉल मीन्स कुछ अदर फोर्स अप्लाइड नहीं करेंगे, सिंपली हम उसको ड्रॉप करेंगे. इस बॉडी को फ्रीली फॉलिंग बॉडी कहते हैं. तो ये बॉडी नीचे आएगा. ये बॉडी नीचे क्यों आ रहा है? ग्राउंड मीन्स अर्थ. अर्थ का एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है. ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये बॉडी नीचे आ रहा है एंड ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये बॉडी में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मींस वेलोसिटी इंक्रीजेस एट ए कांस्टेंट रेट और यूनिफॉर्म रेट. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को अच्छी तरह से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे. टी मीन्स टाइम, एक्स मीन्स डिस्प्लेसमेंट. लेट 0 सेकेंड में ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट 0 है. 1 सेकेंड में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर है. 2 सेकेंड में 6 मीटर एंड 3 सेकेंड में 12 मीटर है. देन हम वेलोसिटी v फाइंड आउट करेंगे. वी नो वेलोसिटी इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम. दैट मीन्स v इक्वल्स टू x बाय t. 0 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वेलोसिटी भी 0 होगा. लेट 1 सेकेंड में ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी v1 है. v1 equals to 2 minus 0 by 1 minus 0 equals to 2 by 1 equals to 2 मीटर पर सेकेंड. लेट 2 सेकेंड में बॉडी का वेलोसिटी v2 है. v2 equals to 6 minus 2 by 2 minus 1 equals to 4 by 1 equals to 4 मीटर पर सेकेंड. लेट 3 सेकेंड में ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी v3 है. v3 equals to 12 minus 6 by 3 minus 2 equals to 6 by 1 equals to 6 मीटर पर सेकेंड. तो 1 सेकेंड में वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है. 2 सेकेंड में वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है. 3 सेकेंड में वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड है. देन हम एक्सेलरेशन a फाइंड आउट करेंगे. 0 सेकेंड में वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है तो एक्सेलरेशन भी 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा. वी नो acceleration equals to change in velocity by change in time. That means a equals to dv by dt. Let 1 second में acceleration a1 है. a1 equals to 2 minus 0 by 1 minus 0 equals to 2 by 1 equals to 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. Let 2 second में acceleration a2 है. a2 equals to 4 minus 2 by 2 minus 1 equals to 2 by 1 equals to 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. लेट 3 सेकेंड में एक्सेलरेशन a3 है. a3 equals to 6 minus 4 by 3 minus 2 equals to 2 by 1 equals to 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो यहाँ पे 1 सेकेंड में एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. 2 सेकेंड में भी एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. 3 सेकेंड में भी एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. यहाँ पे कांस्टेंट रेट में वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है. टाइम इंटरवल सेम है. 1 सेकेंड है. फर्स्ट इंटरवल में टाइम 1 सेकेंड था. वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज हुआ. सेकेंड इंटरवल में टाइम 1 सेकेंड है. वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज हो रहा है. थर्ड इंटरवल में टाइम 1 सेकेंड है. वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज हो रहा है. यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. 1 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. 2 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. 3 सेकेंड में भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. इसको हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं. तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डेफिनेशन क्या होगा? द uniform acceleration produced in a freely falling body due to the gravitational force of the earth is called acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity is denoted by the letter G. Next point, the formula of G equals to capital G into capital M by capital R square, where capital G equals to gravitational constant, capital M equals to mass of earth, capital R equals to radius of earth. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू है 6.7 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। मास ऑफ अर्थ का वैल्यू है 6 × 10⁻²⁴ केजी। अर्थ का रेडियस है 6.4 × 10⁶ मीटर। इस फॉर्मूला में हम GMR का वैल्यू पुट करेंगे तो स्मॉल जी इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा और अप्रोक्सीमेटली हम लिख सकते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट पॉइंट, the value of g does not depend on the mass of the body। that means बॉडी के मास के ऊपर g का वैल्यू डिपेंड नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट, the value of g is not constant at all the places on the surface of the earth। that means अर्थ के सरफेस में g का वैल्यू कांस्टेंट नहीं होता है, g का वैल्यू प्लेस टू प्लेस चेंज होता है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है अर्थ का रेडियस एवरी प्लेस में कांस्टेंट नहीं होता है। हियर कैपिटल जी एंड कैपिटल एम कांस्टेंट है तो हम लिख सकते हैं स्मॉल जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मींस व्हेन रेडियस इंक्रीजेस जी डिक्रीजेस, व्हेन रेडियस डिक्रीजेस जी इंक्रीजेस। अर्थ का ये लाइन को इक्वेटर कहते हैं एंड ये लाइन को पोल्स कहते हैं। पोल्स में अर्थ का रेडियस मिनिमम है तो जी मैक्सिमम होगा। इक्वेटर में अर्थ का रेडियस मैक्सिमम है तो जी मिनिमम होगा। अर्थ का सरफेस में जी मैक्सिमम है। अर्थ का सरफेस से हम जितना ऊपर जाएंगे जी का वैल्यू डिक्रीज होगा। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अर्थ का सरफेस से हम जितना ऊपर जाएंगे तो रेडियस इंक्रीज होगा, रेडियस इंक्रीज होगा तो जी डिक्रीज होगा। बट दिस फॉर्मूला को हम अर्थ के सरफेस के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अर्थ का सरफेस से हम जितना नीचे जाएंगे जी का वैल्यू डिक्रीज होगा एंड अर्थ के सेंटर में जी का वैल्यू जीरो होगा।